राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को एक बार फिर से अपडेट देने के लिए देख पा रहे हैं हम आपको, दिखा रहे कितना ज़्यादा भीड़ है। सुल्तान से बाबा धाम की यात्रा से भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहां पर देखने को मिल रहा है। एक दिन का यात्रा होता है, लेकिन जो है बहुत ही भीड़ वाला यात्रा देखने को मिल पा रहा है। पूरी जानकारी मिलेगी आप सभी को वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये भी तो पता चले कि ये यात्रा कहाँ का होता है और कब का यात्रा होता है। तो देख पा रहे दोस्तों, पहली बात हम ये बता रहे हैं आप सभी भक्तों को कि ये दोस्तों सुल्तानगंज से ही शुरू होती है ये यात्रा, और चलकर दुधारी को लेकर के चलती है। पूरा गंगा जल लेकर के जो है सभी भक्त चलते हैं सुल्तानगंज से दुधारी तक। आप कहेंगे दोस्तों ये दुधारी कहाँ पर है, तो ये दोस्तों बांका ज़िले में है। लगभग 55 से 60 किलोमीटर की यात्रा तय होती है सुल्तानगंज से, और बांका से लगभग 7 से 10 किलोमीटर की दूरी होती है दुधारी। वहाँ पर एक कृष्णा मंदिर है, मंदिर तो नहीं है दोस्तों, लेकिन वहाँ की यात्रा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस प्रसिद्ध कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्णा का बुलागा जब आता है ना, तो देखते हैं भक्तों की भीड़ बहुत ही शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा देख पा रहे हैं। और यह यात्रा दोस्तों जन्माष्टमी का यात्रा है, सुल्तानगंज से एक दिन पहले यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी होता है उसके एक दिन पहले यह यात्रा शुरू होती है सुल्तानगंज से। और देख पा रहे हैं किस प्रकार भक्त जो है झूमते रहते हैं, और बिल्कुल दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार तरह तरह के अनेक तरीके से जो है यात्रा को शुरू करते हैं। अगर आप इस यात्रा को विजिट किए हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा, अगर पहले से जानते हैं तो वो भी बताइएगा। अगर पहली बार आपको ये यात्रा देखने को मिल रहा है आप सभी भक्तों को, जैसे कि आप सभी को ज़्यादातर अपडेट मिलता रहता है सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा में, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं सुल्तानगंज से दुधारी बांका जो है जन्माष्टमी का यात्रा किस प्रकार जो है बहुत ही भीड़ वाला देखने को मिल रहा है। और यही देख रहे हैं दोस्तों पेड़ के नीचे जो ये है चारों बगल घूम के जल अर्पण कर रहे हैं, और सामने देख रहे हैं मंदिर नहीं है, बस जो है यहाँ पर एक इतिहास है कि जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने यहाँ पर जब मंदिर बनाने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त यहाँ पर किसी को स्वप्न में बताया था कि जो है यहाँ पर मंदिर नहीं बनाना है, हम इसी रूप में रहेंगे और इसी पिंडी रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर जो जय श्री कृष्ण जो है पिंडी रूप में ही विराजमान है, और इन्हीं को यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए एक दिन का यात्रा होता है और 2 दिन का मेला लगता है इस जगह पर। देख रहे हैं किस प्रकार जो है चारों तरफ घूम घूम कर श्रद्धालु जो है कांवर लेकर के जल लेकर के जो है यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं। पूरा वीडियो में दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, शायद ही इतना ज़्यादा भीड़ कहीं देखने को मिला होगा। और देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर जब यात्रा को शुरू करने के बाद जब दुधारी पहुँचते हैं मंदिर के प्रांगण के पास, तो देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार जो है भक्तों की भीड़ देखने को मिल पा रहा है। और यहाँ पर जो है जागरण पंडाल है, प्रोग्राम पंडाल है, यहाँ पर कुछ भक्ति जागरण प्रोग्राम भी होता है, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु आनंद लेते हैं फिर चले जाते हैं अपने अपने घर वापसी की ओर। पूरा नज़ारा देखने को मिला, किसी भाई ने हमारे साथ वीडियो को साझा किया तभी तो आपको दिखा पा रहे हैं। अगर मैं गया होता तो आप सभी को और भी बेहतर तरीके से और भी जो जो यहाँ पर देखने को मिलता है तरह तरह की चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते, लेकिन हम जो भी हो पा रहा है वैसे भाई की मदद से हम आपको दिखा पा रहे हैं। उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारे साथ वीडियो को साझा किया, ताकि हम दिखा पाएँ कि जो एक दिन का मेला और एक दिन का भीड़ होता है यात्रा वाला कितना ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रहा है, पूरा जो है चारों तरफ मंदिर प्रांगण के चारों तरफ जो है घूम घूम कर श्री कृष्ण का जलार्पण करते हैं, और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आशीर्वाद लेते हैं, भव्य तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बस आप सभी को अपडेट देना था कि यात्रा कहाँ कहाँ पर होती है सुल्तानगंज से लेकर के, तो सुल्तानगंज का यात्रा दिखाएँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी भक्तों को।